एवं अंचल को पापा विज्ञान केन्द्र पक्ष खबर कर सूचना जो ओडिशा शीतर प्रकोप जारी रही है। प्रबल शीत संग घन कुड़ी जो अस्तव्यस्त हो पड़ी जनजीवन डिसेंबर 25 तारीख सकाल पर्यंत राज्य विभिन्न स्थान में घन कुड़ी देखा यह अंचल दृश्यमान दूरता 200 मीटर कम रहिबार संभावना रही है। आगामी तीन दिन जाए घन कुड़ी ने केतक जिला येलो वार्निंग जारी कर तेज आगक ओडिशार केत प्रतिशत शीत रही है सहित क्यों सब जिला मानक अधिक शीत पड़ा संभावना रही है से नहीं संपूर्ण अपडेट जानवा कि पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करूँ और वीडियो को सांगसाथी मानक बहुमत सेयार करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थोर भिड देखते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे था बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाद्वारा पापाग संबंधी लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आम चैनल मध्यम पाइपे तो चलतु लेट नक खबर पर फटाफट नजर पकड़ा सूचना जो रविवार राज्य विभिन्न स्थान में आदि तापमात्रा धीरे धीरे वृद्धि पाव यहाँ प्रबल शीतर सामान्य आश्वस्ति मिले भुवनेश्वर अंचल की पापा केन्द्र पक्ष आकलन करपरी वायुमंडल उपरीभाग में पश्चिम निम्न चापरेखा सह जड़ित वायु चलाचल करने द्वारा यह प्रभाव में आभ्यंतरण ओडिशार किसी जिले में पाग मेघ रहा सहित बर्षा हेबार संभावना थी पापा केन्द्र पक्ष आगामी 24 घंटा मध्य आभ्यंतरण ओडिशार अनेक स्थान में रात तापमात्रा 2-3 डिग्री जाए वृद्धि पावर संभावना रही है। से हीपरी रविवार उदयगिरी रात तापमात्रा सर्वनिम्न 5.8 डिग्री रेकर्ड कर फुलवाणी 7 डिग्री किरेई 7.7 डिग्री सिमिलीगुड़ा और दारिंगबाड़ी 8 डिग्री केन्दुझर 8.8 डिग्री सुंदरगढ़ 8.9 डिग्री और अनुगुल नवरंगपुर 9 डिग्री भवानीपाटना 9.5 डिग्री कटक 14.4 डिग्री और भुवनेश्वर 14.8 डिग्री सर्वनिम्न रात तापमात्रा रेकर्ड कर तो यह थी आज मुख्य खबर आपो सब अंचल आम भिड को देखते हैं। आपण अंचल वर्तमान पापा किपर अच्छे आमको कमेंट माध्यम कहते हैं।